सन 1907 की काली माटी यानी आज का जमशेदपुर। रोशनी से जगमगाता विकास पथ पर तेज दौड़ता जमशेदपुर। हर सुबह देश के विकास में योगदान देने जाग जाता है ये शहर। चिमनियों का शहर जमशेदपुर विगत 100 वर्षों से हजारों लोगों को रोजी रोटी उपलब्ध करा रहा है। जमशेदपुर एक ऐसा शहर जिसे पूरा हिंदुस्तान कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। इस शहर की तेज रफ्तार से दौड़ती भागती जिंदगी ने जहाँ लोगों के कई खुशगवार पहलुओं को उजागर किया है, वहीं दूसरी तरफ उनकी भौतिक सुख सुविधाओं से उपजे कई प्रश्न चिन्ह भी खड़े करती है। शहर में दो मदर डस्टबिन भी हैं, जो पूरे शहर की सभी तरह की गंदगियों को पिछले 100 वर्षों से निगल रही हैं, और उस मदर डस्टबिन का नाम है खरकाई और स्वर्णरेखा। आज से 30 साल पहले खरकाई और स्वर्णरेखा का जल कुछ इस तरह था, इतना स्वच्छ और निर्मल। परंतु अब ये शहर जमशेदपुर पिछले 100 वर्षों से विकास की दौड़ में तेज से तेज भागता जा रहा है, और इस तेज भागने के चक्कर में प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण ही भूल गया है, जिसका भयंकर परिणाम हमारे सामने है। शहर की दो नदियां शहर का डस्टबिन बनकर रह गई हैं। नदी का मछली आप खाते हैं? हाँ। आपको पता है इस मछली को खाने से 50% कैंसर होने का चांस है? हाँ, फिर भी आप खाते हैं? क्या किया है, नदी यही मछली मिलता है यहीं पर, मतलब खाना मजबूरी है आपकी। हाँ। नदी से रिश्ता टूटते ही लोग पानी की लाइन में खड़े हैं। 3 बजे से आदमी आकर के जमा होना चालू। कितना घंटा इंतजार करना पड़ता है? 2.5 घंटा 2 घंटा। आपके वहाँ कोई चापाकल वगैरह नहीं है? चापाकल है, पानी डीप बोरिंग होने कारण सब भाग गया है। कभी कल कल मधुर ध्वनि करती ये नदियाँ आज अपनी जिंदगी खो चुकी हैं। कभी इसका जल अमृत समान हुआ करता था, जो आज जहर बन चुका है। अब इस नदी में स्नान करने से लोगों को चर्म रोग हो सकता है। एक तरफ विकास की राह पर तेज भागती जिंदगी, तो दूसरी तरफ विनाश की गहराई में उतरती जिंदगी। आखिर हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है और वो कैसा होगा?